way, study the interconversion of energy just like a electrical energy to chemical energy. Or chemical energy is converted into the electrical energy. So that branch is known as electrochemistry, or we can say that chemistry ki wo branch jisme hum energy ke interconversion, meaning electrical energy to chemical energy, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर किसी वर्ड को अगर हम बेसिकली डिवाइड करेंगे तो टू पार्ट में इसको डिवाइड करके लेते हैं. इलेक्ट्रो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस वर्ड इज रिलेटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड केमिस्ट्री का मतलब हो गया इट मीन्स इट विल बी कन्वर्ट रिलेटेड टू द केमिकल एनर्जी. तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इट विल बी डिवाइडेड अगर रिलेटेड करते हैं इसको टू वर्ड में डिवाइड करके रिलेट करके देखेंगे तो इलेक्ट्रो का मतलब होगा रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री इट विल बी रिलेटेड टू द केमिकल एनर्जी. तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, एंड केमिकल एनर्जी हाउ टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस चैप्टर में हमें मेन थ्री टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज गॉस. इसको हम फिर से फर्दर डिवाइड कर दे रहे हैं, तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इन थ्री टॉपिक्स चैप्टर पढ़ने, फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, और that is the called of conductance of the solution. Electrochemistry में main three topics के बारे में discussion करना है. First that is called electrolytic cell, second is called the galvanic cell, or it is also known as voltage cell, and third that is the called of conductance of the solution. कि electrons का अगर flow रहा है तो इस वजह से उसका resistance क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी. तो ये सारी चीजें हम कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ेंगे. फर्स्ट हमें ये देखना व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ गैल्वेनियम के बोल था कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल. अभी कैसे इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टू मेन टॉपिक पढ़ना, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड सेकेंड वन इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड वन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल. तो आज के लेक्चर में हम केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगा इसमें इंटर कन्वर्जन जो एनर्जी का होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द केमिकल एनर्जी. एनी वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनर्जी का कन्वर्टेड होता है वो किस तरह का होता है, तो इसमें इनपुट जो होता है वो हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमें केमिकल एनर्जी मिलती है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट मीन्स जो रिएक्शन अपने आप आओ, जिससे हमें कराने के लिए एनर्जी हमें बाहर देंगे, बाहर से आउटपुट देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन.
एज फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर हमें सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में दे रहा है और उससे अगर प्योर सोडियम को सेपरेट करना है तो वो अगर किसी कंटेनर में रखा तो वो अपने आप सोडियम किया मतलब कन्वर्ट नहीं होगा सोडियम प्योर सोडियम में ऑब्टेन नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के वो जो आपका मेटल है सोडियम मेटल वो प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी मेरे पास 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए जो है मेरे पास लेकिन मेरे मन में यही ख्याल आया कि चलो क्यों ना इसमें से कुछ पैसे कुछ मनी को हम डोनेट कर देते कुछ अच्छे काम में यूज करते। लेकिन हम मैं मेरे पास 100 करोड़ है तो मैं 100 करोड़ तो डोनेट नहीं करूँगी। क्यों वजह है क्योंकि मुझे भी अपने फ्रीडम के लिए अपनी लग्जीरियस लाइफ के लिए कुछ पैसे मेरे पास होने चाहिए। मैंने मेरे मन में ख्याल आया मैं 50 करोड़ अपने पास स्टोर कर लेती हूँ 50 करोड़ जो बचे हुए हैं उसको मैं किसी यूजफुल वर्क में यूज कर देती हूँ तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी इन दिस सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस तो अपने आप रिएक्शन में भी वो अगर होगी एंड थर्ड इस कंडीशन में डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी दैट विल बी इज इक्वल टू द पॉजिटिव क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम को अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहा बाहर की एनर्जी को यूज कर रहा है एंड दैट कंडीशन क्या होगा डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का तो In that device, we take a one container in which two electrodes are put up. First, that is the anode, and second, and that is called the cathode. Anode and cathode. इसके बाद ये जो electrodes होंगे, will be made up from platinum. बिकॉज प्लैटिनम जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता इस वजह से हमें इट ऑल्सो नोन एज इनॉड इलेक्ट्रोड इनॉड इलेक्ट्रोड। इसके बाद हम क्या करेंगे सपोज करो हमने NaCl को मोल्डिंग स्टेट में यहाँ पे पुट कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होगा उसमें क्या होगा एक कंटेनर होगा जिसमें हम एक ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में होगी। हम इधर टू इलेक्ट्रोड पुट अप करेंगे दैट इज मेटल फ्रॉम प्लैटिनम को सॉल्व होता है प्लैटिनम इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लैटिनम इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता इस वजह से हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बोले तो उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पास सपोज करो हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया वो हमने NaCl ले लिया NaCl मोल्टन स्टेट में ले लिया मोल्टन स्टेट में लेने के बाद जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में पास करेंगे तो ये जो होगा NaCl ये Na+ एंड Cl- में डिवाइड होगा। ठीक है तो ये आयनाइज हो जाएगा जब आयनाइज हो जाएगा तो Cl कंटेन माइनस था तो ये माइनस किसकी तरफ जाएगा एनोड की तरफ पॉजिटिव के चार्ज में एनोड ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव के चार्ज होगा कैथोड दैट इज द नेगेटिव चार्ज तो एनोड की क्लोरीन जो होगा वो एनोड की तरफ जाएगा और सोडियम जो है वो इनकी इसी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनकी स्टोर हो जाएगा यानी जब प्योर एलोन को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखो जो कैथोड है जो आपका कैथोड और एनोड किस तरह की रिएक्शन अगर होगी अगर हम एनोड पे रिएक्शन देखते हैं एनोड पे एनोड का पॉजिटिव भी जब और एनोड में क्या जाएगा सीएल जाएगा और सीएल के पास वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वन इलेक्ट्रॉन के यूज कर देगा और वो क्लोरीन गैस एनोड पे इवॉल्व होगी। और जो कैथोड पे क्या होगा कैथोड पे क्या होगा जो सोडियम है वो वन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी चार्ज है वन इलेक्ट्रॉन ले कन्वर्टेड इशू जाएंगे और ये हमें उसी कंटेनर में स्टोर किया हुआ मिलता है। इसमें एक चीज देखो एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है एनोड देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है कैथोड पे सोडियम के पास वन इलेक्ट्रॉन कम थे
लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और जब गेन करेगा तो देन अगर गेन करेगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर के अंदर है, जबकि गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग कंटेनर, दो हाफ सेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा क्या करना है, वन कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में इलेक्ट्रोड पुट अप करेंगे, जो कि बेसिकली हम कहते हैं प्लेटिनम का बना होता है, इसलिए लेते हैं इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट। इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेने के बाद इलेक्ट्रोसिटी ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद यहाँ पे आयनाइजेशन होगा और आयनाइजेशन के बाद पॉजिटिवली आपका होगा कैथोड की तरफ जाएगा, जो नेगेटिवली होगा वो एनोड। इसमें एक चीज और माना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगा इसमें एनोड दैट इज अ पॉजिटिव रीजन एंड कैथोड दैट इज अ नेगेटिव रीजन, जबकि गैल्वेनिक सेल में इसका जस्ट अपोजिट होगा। दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें आप इसको अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी पढ़ना, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। कोई डाउट होगा तो क्लियर करें।